हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लगाते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इस तरह का और भी क्लास देखना हो, आप लोग प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक करिएगा। आपके यहाँ पर ढेर सारा क्लास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, बताइए कि जल और अल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सवाल कह रहा है कि जल और अल्कोहल का एक मिश्रण है, इसको अलग करना है, आप कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना होगा, आसवन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। कैसे? आसवन विधि के द्वारा। नंबर सेकेंड, पौधों में रस आरोहण यानी कि जो चढ़ाव होता है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जाइलम के माध्यम से होता है, बताइएगा। नंबर थर्ड है, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आप जानते हो सूर्य की किरण में सुबह सुबह आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा उत्तक में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा वसा उत्तक में जमा होती है, सही जवाब है। शरीर में जो मोटापा होता है यह भी वसा की ही वजह से होता है। रक्तचाप जो होता है मनुष्य का वह भी बढ़ता है वसा के वजह से। ट्रांसलेट यहाँ पर करिए, द मॉर्निंग हैज़ ब्रश्ड इनटू, यहाँ पे आपको करना होगा पाँव फट चुकी है, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म सी, क्या करेंगे यहाँ पे, सी मेट मी लॉन्ग अगो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइटम, कह रहा है इन अ जिफी, जिफी का मतलब होता है जल्दीबाजी, और जल्दीबाजी में आप यहाँ पे फास्ट को टिक कर सकते हैं। चूज करेक्ट स्पेलिंग, नंबर डी डेमोलिशन का जो स्पेलिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चूज द करेक्ट सफिक्स, इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टिव होता है आई वी ई डायरेक्टिव, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश होता है उसे डायरेक्टिव कहते हैं। बताएं कि हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना को ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि मिट्टी के बिना पौधे उगाना वो कहते हैं। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि उसका व्यतिकरण होता है। अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा, इस्पात होता है। अस्थाई चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु इस्पात है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के, बताइएगा, डी राइट आंसर है। तुलसीदास का बचपन का नाम, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला, ऑप्शन ए सही जवाब है। निश्चल का संधि विच्छेद बताइए, निश्चल का होगा निह जोड़ चल, ऑप्शन बी सही जवाब। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हार जीत किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी के द्वारा हार जीत
रचा गया था। कौन सा रूपांतरण सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1 mm इक्वल टू होता है 133 PA, सही जवाब है। ठीक है, PA मतलब हो गया आपका पास्कल। देखिए 1 bar बराबर अगर आपसे पूछे कितना होता है तो आप 10 to the power 5 pascal बता सकते हो, और अगर आपसे पूछे कि 1 torr बराबर कितना होता है तब आप 133 pascal बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा कांच को गीला नहीं करता, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, ये क्या कहलाता है? असंजन कहलाता है, असंजन गुण होता है। किसी पदार्थ की उष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। 24, पानी के छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नंबर सी राइट आंसर है। नीचे दिए गए प्रक्रम में पी वी ग्राफ के लिए सही क्या होगा? इस ग्राफ के लिए क्या होगा बताइए सही? समदाबीय प्रक्रम कहेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, यदि इसके दाब निम्न हैं तथा ताप उच्च है। निम्न में से किस विधि द्वारा तांबा का निष्कर्षण किया जाता है? तांबा का निष्कर्षण फ्लोटेशन विधि के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से क्या होता है? अक्रियाशील। कह रहा है कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पादक के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? पूर्ण स्पर्धा कहते हैं, मतलब सभी बहुत कोई लोग बहुत सारे सामान को जब बेचते हैं तो उसे पूर्ण स्पर्धा कहते हैं। आपवादिक मांग वह वक्र है जिसकी ढाल दाहिनी और ऊपरमुखी होती है। निम्न में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में संथाल नहीं है। चाय की पैदावार होती है पहाड़ी वाली ढाल पर, चाय की पैदावार अच्छे तरीके से होती है। चाय में कैफीन नाम का तत्व होता है। अगर पूछेगा चाय की खेती भारत में कब, तो 1835 बताइएगा, इसी समय से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? तो अपने भारत के असम में। अगर पूछेगा कि वर्ल्ड में टोटल, जैसे भारत जो है ना, विश्व का कितना परसेंट चाय का उत्पादन कर लेता है, आप यहाँ पे 27% बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउल केला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उत्पन्न उपलब्ध कराती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध परियोजना है राउर केला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध करवाती है। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? इसे भूस्खलन कहते हैं, ए सही जवाब है। नंबर 35, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी बताना है, व्यक्ति और राज्य दोनों के। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना बताएंगे, नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कह रहे कि एक उनमें संबंधित था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूचमपल्ली।
नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक के मैसूर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था बताइए? जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कहाँ पर है? नॉर्वे में। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस भूमध्य रेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एंजल्स ने। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन नंबर आपको उसी की टिक करना होगा, खाद्य और कृषि विभाग सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 45। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? शुष्क क्षेत्र की भूरी मिट्टी में, नहीं, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण की वजह से ना इनमें उर्वरक का जो उपयोग है सबसे कम आवश्यकता इसमें पड़ता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ध्यान रखिएगा, नदियों के निक्षेपण के द्वारा ये बनता है, निर्माण होता है, इसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? डाक विभाग 1854 में। निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इन्हें संविधान के भाग चार में हाँ रखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देश के शासन में मूलभूत समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय अधिकार पर, नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। तीनों कथन सही है, इसे आप याद कर लें। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ये ना सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर में तमिल जो है प्रमुख भाषा है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नाम याद है, नए पैताव करके है। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है रुपया। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ का जो मुद्रा है यह है क्या? यह है रुपया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने वर्गों में रखा गया था? 27 राज्य और 3 प्रवर्ग में इसे रखा गया था। किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? सी राइट आंसर, अनुच्छेद 19 को। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती हैं? ए राइट आंसर, ताराबाई। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक का अभियान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। कब हुआ था? ये 1677 और 78 के समय में किए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी ना न्यास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन सा था? ए राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना गया है? लॉर्ड कार्नवालिस को। नागरिक सेवा का अगर पूछेगा जन्मदाता, कार्नवालिस को माना गया है। निम्नलिखित युग में से किसका सुमेल नहीं है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय 1857, डॉक्टर सेन, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ,
इंडिया विंस फ्रीडम कह रहा है कि यहाँ पे दादा भाई नरोजी, यह गलत है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक का नाम अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डी अपना गलत मिल गया। पित्त का स्राव कौन करता है? पित्त का स्राव करता है ऑप्शन नंबर बी यकृत। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे? श्रीमती गांधी, देवगौड़ा साहब, मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी सभी राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन समान स्थितियों में मूल ढांचे का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में किया गया था। पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य से संबंधित है। देखिए यह जो सवाल अभी आपने दोनों देखा और भी इस तरह का जो भी सवाल अभी आया पॉलिटी से, सारे का क्लास आपको दिया जा चुका है। सबसे बेस्ट अगर अभी तक का नोट्स आपको देखना हो तो खान सर का जो नोट्स है वह दिया जा चुका है, अनुच्छेद एक से लेकर के 395 तक को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देखिए कौन कौन सा आयोग कब आया था, क्या क्या संविधान में काम हुआ है, सारे कुछ के बारे में दिया जा चुका है। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विटामिन डी आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी न्यूमोनिया क्या है, विषाणु जनित नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? हृदय संबंधी रोग होता है बी राइट आंसर। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? ए राइट आंसर सोना। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में ना गैस में द्रव होता है, ए राइट आंसर है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी संबंधित है कहाँ से? जीव और पर्यावरण के सह संबंध से संबंधित है पारिस्थितिकी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? ए राइट आंसर कहाँ का, दिल्ली का। भारत में डीजल बनाने वाला पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ पर खोला गया था? सतारा, सतारा लिखा हुआ है, सतारा होगा महाराष्ट्र में। कब? 1932 में। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के 50वें न्यायाधीश हैं? तो चंद्रचूर साहब आप बता सकते हैं, सी राइट आंसर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग बताइए क्या है? 126वां। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी। कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? मित्र को पत्र हो जाएगा, सी सही जवाब। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, ओ क्या है, दीर्घ स्वर में नहीं आता है। सूर्त वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है, अध्ययन। क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में तत्पुरुष, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग दिख रहा है बताइए? अधिकारी में ना अधि, अधि जो है यह उपसर्ग दिख रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब 90 पर। वह मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर सी हार्टले विदर्स का। ये जो सरस्वती सम्मान 2022 वाला है इससे किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा, दलाई लामा को। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। जनसंख्या जो जन्म दर है किस पर मापी जाती है? 1000 पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अभ्रक, डी राइट आंसर है।
चूज द पैसिव फ्रॉम द गिवन चॉइस, व्हाई डू यू टेल अ लाई। यहाँ पे होगा नंबर सी, व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, सही जवाब। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मूवमेंट, सही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव होमवर्क टू डू, नंबर बी सही जवाब है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेज, यहाँ पे आपको करना होगा नंबर सी, ही सेज ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथेज, यहाँ पे सही जवाब है। यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताइए क्या सही है। सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं, ऑल विलेजर्स हैव अराइज्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने आज की इस क्लास में सेट नंबर 16 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करनी है, प्लेलिस्ट आइए चेक करिए, काफ़ी सारा स्पेशल क्लास दिया जा चुका है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए।